इत्तेहाद बिल्डकॉन लाया है कल्याणशील का सबसे लग्जरियस और एमिनिटीज से भरपूर प्रोजेक्ट एसके वैली। कंफर्ट और लग्जरी को ध्यान में रख के एसके वैली आपको देता है प्रीमियम लाइफस्टाइल। शील कल्याण के बीचों बीच बन रहा है एसके वैली, जहां से आपको कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल, मुंब्रा, ठाणे, हर जगह की कनेक्टिविटी होगी आसान। एसके वैली आपको देता है मॉडर्न एमिनिटीज जैसे कि एलिवेटेड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड जिम, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, क्लब हाउस, नाना नानी पार्क और एक खूबसूरत मस्जिद। एसके वैली के बारे में और डिटेल जानने के लिए अभी कॉन्टेक्ट करें दिए गए नंबर पर। श्री राम के नाम पर ये कैसी गुंडई अकेली मुस्लिम लड़की को घेर कर हिंदू युवकों के झुंड ने लगाए जय श्री राम के नारे। मुस्लिम लड़की ने अल्लाहु अकबर के नारे से दिया जवाब। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कर्नाटक के उडुपी में कुंदापुर और अन्य कॉलेजों में हिजाब का विवाद चल रहा है। हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़कियों को पहले कॉलेज में प्रवेश न देना, उसके बाद प्रवेश देना, तो क्लासेस में न बिठाना, अलग कमरे में बिठाना। अब ये विवाद कितना इसको धार्मिक रंग दे करके तूल दिया जा रहा है। बाकायदा पहले छात्रों ने, फिर छात्राओं को भगवा स्कार पहना करके मैदान में लाया गया। अब एक मुस्लिम युवती वो हिजाब में अपने कॉलेज पहुंच रही है, कॉलेज की पार्किंग में पहुंचती है, उसको देखते ही हिंदू युवकों का, जिनके हाथ में, सबके हाथ में भगवा शॉल या गमछा जैसा एक वस्त्र है, कपड़ा है, ये पकड़ करके ये नारे लगा रहे हैं जय श्री राम की। युवती इनके सामने से गुजर रही है, तब भी ये युवती के बिल्कुल करीब जाकर उसको जय श्री राम के नारों के बीच घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो युवती ने अल्लाहू अकबर के नारे से इनका जवाब दिया। कर्नाटक के ही एक कॉलेज का ये वीडियो सामने आया है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर धार्मिक आतंकवाद जो है वो किया जा रहा है, वो भी एक शिक्षा मंदिर में। श्री राम के नाम पर गुंडई की जा रही है, क्या श्री राम ने इस तरह की गुंडई करने की कोई नसीहत या कोई सीख दी है? इसका जवाब इस तरह की गुंडई करने वाले और इनका समर्थन करने वाले जितने भी राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट संगठन है, यानी बहुत ही जहाल विचारधारा के जो संगठन है, क्या वो इसका खुलासा करेंगे, क्या इसका जवाब देंगे कि क्या ये समर्थनीय है इस तरीके की अकेली मुस्लिम युवती को, बुरखा पहनी हुई को घेर कर इस तरह के नारे जो है लगाना कहां तक उचित है? फिलहाल ये पूरा मामला मुख्य धारा के खबरिया चैनलों से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर गूंज रहा है और काफी सारे लोग इस पर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। We'll be right back.